महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आए, 48 घंटे हो गए, लेकिन अगले मुख्यमंत्री की पहली अभी सुलझी नहीं है। आज एकनाथ शिंदे ने एक सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और महाविजय पर महाराष्ट्र को शुक्रिया कहा। कल शिवसेना की बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना गया। लाडली योजना से जुड़े कई कार्यक्रम में शिंदे गए, वहां सीएम बनाने के नारे लगे, तो उधर बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में पोस्टर लग रहे हैं। वही महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर बीजेपी शिवसेना खेमे में क्या कुछ चल रहा है, एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ये एकनाथ शिंदे का महाविजय पर महाराष्ट्र को धन्यवाद का अपना अंदाज है। महाराष्ट्र अब महायुति की मुट्ठी में है, लेकिन मुख्यमंत्री की गुत्थी उलझी है। बीजेपी बड़ी जीत के बाद सबसे आगे खड़ी है, लेकिन शिंदे भी मुकाबले में मजबूती से खड़े हैं, दावे का कोई मौका नहीं चूक रहे। कल लाडली बहना की योजना से जुड़े कार्यक्रम में शिंदे गए तो सीएम बनाने के नारे लगे। जैसा कि ऐसी स्थिति में होती रही है, महायुति में भी ना शिंदे ना फडणवीस ना अजीत पवार की तरफ से खुलकर दावेदारी हो रही है, लेकिन संकेतों और संदेशों में बहुत कुछ कहा जा रहा है। अग्रिम पंक्ति सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन निचली पंक्ति खुलकर बल्लेबाजी कर रही है। फडणवीस के समर्थन में पोस्टर टांग दिए गए हैं, पर्दे के पीछे दिल्ली से मुंबई तक बातचीत हो रही है, फॉर्मूला तय हो रहा है, लेकिन सामने की तस्वीर अभी भी धुंधली और अनिश्चितता से भरी है। संख्या बल की ताकत ने बीजेपी के दावे को बेहद दमदार बना दिया है, लेकिन गठबंधन की अपनी बंदिशें होती हैं। कुछ चीजें जरूरी हैं तो कुछ मजबूरियां भी हैं। बीजेपी को पाना है तो घटक दलों को कुछ देना भी होगा, वो कुछ क्या होगा इसी पर सबकी निगाहें हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, नतीजे आने के बाद जब भी मीडिया के सामने आते हैं यही सवाल पूछा जाता है कि अगला सीएम कौन होगा, और जवाब यही आता है कि मिलकर तय करेंगे। पहले तो तीनों पार्टियां अपना अपना नेता चुनती है, अभी रिजल्ट ही आने का है। रिजल्ट आने के बाद सारे एमएलए को बुलाना पड़ता है, अपने अपने पार्टी का नेता चुनते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठौली जी का भी मशवरा हम लेंगे। तीनों पार्टियां बैठेगी, हमारा जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है, हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। हालांकि बीजेपी और शिवसेना में फडणवीस और शिंदे के विश्वास पात्र नेता दावेदारी में पीछे नहीं है। ये जो इलेक्शन है वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हुआ था और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो हम लोग ऐसे शिवसेना की तरफ से तो हम हमेशा सोचते हैं कि उनको पहला क्लेम देना चाहिए, और जितना हम लोग शिंदे साहब को प्यार करते हैं उतना ही प्यार और विश्वास हमें फडणवीस साहब के बारे में, ये दोनों की एक जोड़ी है। आप ये देखिए कि ये जोड़ी ने क्या चमत्कार करके दिखाया। अजीत दादा बाद में शामिल हो गए तो अजीत दादा का भी इसमें क्रेडिट है, लेकिन ये तो पहले से दोनों इकट्ठा चल रहे, वही जोड़ी कायम रहे और उनपे भगवान का भी आशीर्वाद है। ऐसा है, ये चुनाव जो हमने लड़ा ये एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद नेता मुख्यमंत्री कौन, कोई चेहरा सामने रखकर हमने ये चुनाव नहीं लड़ा, तो इसलिए जो निर्णय सृष्टि करेंगे वो हमारा नेता होगा। हमारा दल हमेशा अनुशासन के साथ चलता है और हमारे दल में
जो कार्यकर्ता की इच्छा है उस इच्छा को शीर्षस्थ नेता जानते हैं, और शीर्षस्थ नेता जो भी निर्णय लेंगे वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, महाराष्ट्र के कल्याण में निर्णय लेंगे। सच बोले तो ये बहुत ही भाग्यशाली दिन है सबके लिए, आदरणीय अजीत दादा के लिए, राष्ट्रवादी के लिए और सब जनता के लिए, हमारे बारामती के लिए, क्योंकि बारामती के लोगों ने अपना सच्चा मत दादा की बाजू में दिया है। हाँ, भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा।